अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? ठीक हैं? आज हम बहुत मज़े की डिश बना रहे हैं, चिकन एंड एग फ्राइड राइस। मैंने 4 के करीब अंडे ले लिए हैं, उसमें नमक और ब्लैक पेपर डाल दिया और आप इसको बस मिक्स करें। आप कोशिश करें इसके छोटे छोटे पीस बन जाएं, और जब पीस बन जाएंगे तो ये मतलब फ्राई हो गया, और इसको अलग-अलग प्लेट में निकाल लें। अब आप पैन में डालें फिर से ऑयल और बारीक कटा हुआ चॉप किया हुआ गार्लिक इसमें आप ऐड कर दें। इसको जब तक फ्राई करें जब तक लाइट ब्राउन हो जाए, और इसमें फिर आप चिकन डाल दें बारीक कटा हुआ, अपने हिसाब से काट लें जैसा आपको पसंद हो। पतले लंबे पीस भी कर सकते हैं, 1 इंच के छोटे छोटे पीस भी कर सकते हैं। तो इसको तब तक फ्राई करें जब तक ये अपना कलर चेंज ना कर ले। ये अब 4 मसाले हैं, नमक, चिकन पाउडर, कुटी मिर्च और ब्लैक पेपर। तो आप इसमें से अभी 1/2 टीस्पून, चारों मसाले इक्वल ले लें, 1/2 टीस्पून आप इसमें ऐड कर लें। ये जो आपको मैं मसाले और सॉस वगैरह बता रही हूँ ये बार बार ऐड होते रहेंगे, तो आपने अपने हिसाब से ये जितने आपको पसंद हो इसमें डालते रहें, लेकिन डलेंगे यही। आपने इसमें कुटी मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया और बाकी काली मिर्च डाली है और चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून, ठीक है। बस आप इसको अब फ्राई करते रहें। और ये सोया सॉस है, इसमें सिरका है और चिली सॉस है, 3 सॉस हैं। इसमें से थोड़ी सी भी आप ऐड कर दें जितनी आपको पसंद हो। मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें डाल दिए। इसको जब तक मिक्स करें पकाएं जब तक इसका फ्लेवर चिकन में ना आ जाए। अब इसको, मेरा ख्याल है कि ये हो चुका है, तो इसे गलने के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये 1 कप गाजर है मेरे पास, इसको आप ऐड कर दें। और जब मैं इसमें हरी प्याज डालूंगी उसमें से आप, ये 1 कप है इसमें से 1/2 के करीब अभी ऐड कर दें, और कोशिश कहें कि करें कि ये क्रंची रहे। फुल डन आपने वेजिटेबल को नहीं करना, चिकन हमारा फुल डन है। चाइनीज़ खानों में कोशिश किया करें कि वेजिटेबल जो हैं वो क्रंची रहें। मुझे इसमें थोड़ा सा सॉसेस की कमी लग रही थी, मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। आप अपने जायके के हिसाब से सॉस को ऐड करिएगा। अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए दम पर रखा है और ये मेरे हिसाब से ये रेडी है, ये तकरीबन गल चुका है। अब आप एक पैन ले लें, उसमें ऑयल डालें और जो चिकन और वेजिटेबल का मिक्सचर था वो सारा जो हमने बनाया था वो इसमें डाल दें। बस इसको कुक नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करें। अब जो राइस मैंने नमक डाल के उबाले हुए थे 1 कनी के करीब मैंने छोड़ दिया था, वो आप इसमें ऐड कर दें। और कोशिश करें जो चाइनीज़ में आपने बॉईल करने हैं राइस उसको ठंडा करके डालेंगे तो आपके चावल अलग अलग और बड़ा अच्छा बनेगा। अगर गरम गरम डालेंगे तो चावल का टूटने का ख़तरा होता है। तो जो मैंने आमलेट बना के रखा हुआ था अंडों का, वो मैंने पहले अब डाल दिया है। मैं इसमें बॉयल एग भी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप डालिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मुख्तलिफ किस्म के एग बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हरी प्याज जो बची थी वो सारी मैंने इसमें डाल दी, और जो सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस था वो भी मैंने, जो पूरा था मैंने जो बना के रखा था इसमें अब डाल दिया पूरा, ख़त्म। आपने जिस तरह डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और जो मसाले बाकी थे, नमक, काली मिर्च थी, कुटी मिर्च थी और चिकन पाउडर था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। तो जो मसाले थे, सॉसेस थी, वो वक्फे वक्फे से मैंने इसमें ऐड की हैं, आप भी इसी तरह करें। अब बस हल्के हाथों से इसको मिक्सिंग करनी है और ये बहुत अच्छे मज़ेदार से चिकन एंड एग फ्राइड राइस रेडी है। इंजॉय करिएगा।